मुनावर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। उनके पिता एक ड्राइवर थे और माता एक गृहिणी थी। मुनावर की 3 बहनें भी हैं। मुनावर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूनागढ़ में ही पूरी की थी। 5वीं कक्षा के बाद आर्थिक समस्या के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता का ड्राइवर का काम संभाला। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। उनके सामने वो स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगी। हालांकि इस बीच वो एक बर्तन की शॉप पर काम भी करते थे, जिसका उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने बताया कि वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे और आसपास की जितनी भी बर्तन की शॉप थी उनके साथ कॉम्पिटिशन करते थे। 2018 में मुनावर ने सोशल मीडिया पर अपनी कॉमेडी वीडियो अपलोड करना शुरू किया। उसके बाद वीडियो लोगों को बहुत पसंद आए और उन्होंने जल्द ही एक लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में पहचाने जाने लगा। मुनावर ने कई कॉमेडी शो और इवेंट्स में हिस्सा लिया। उन्होंने कई टीवी शो में भी अभिनय किया। 2022 में मुनावर ने कंगना रनावत के रियलिटी शो लॉकअप में हिस्सा लिया। इस शो में उन्होंने अपनी कॉमेडी और बुद्धिमता से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने इस शो को भी जीता। 2023 में मुनावर ने बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया। इस शो में भी उन्होंने अपनी कॉमेडी और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने इस शो को भी जीता। मुनावर फारूकी को भारत के सबसे लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियनों में से एक माना जाता है। उनकी कॉमेडी में हास्य बैंक और सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से सोचने का गुण होता है। मुनावर फारूकी का निजी जीवन भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने 2017 में जैस्मीन से शादी की, लेकिन 2022 तक उनका तलाक हो गया। उनका एक बेटे भी हैं। हालांकि उनका विरोध भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने सीता माँ को लेकर कुछ आपत्तिजनक कमेंट भी किए हैं, जिसके चलते उन्हें हिंदू सभ्यता में बहुत हेट मिलता है। और हालांकि हम इस पर कोई आगे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुनावर फारूकी का जीतना सही है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बॉलीवुड की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।